अच्छा, ये हमारे पास वीडियो है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है, लेकिन इसको देखने के बाद आपने लिपन कोट लाजमी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि लिपन कोट में आपको देखें इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह जो है मिल जाएंगे, जो इतनी लंबी वीडियो में बना नहीं सकती कि मैं आपको लिपन कोट की एक एक लाइन का बता दूँ, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो के बाद लिपन कोट पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ठीक है, बहुत ईजी है ये। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको एटीपी मिलेंगे और इस स्टेप में ही एटीपी यूज भी होंगे, ठीक। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस आपके हर सेल में होती है, और सेल के किस पार्ट में होती है, साइटोसोल में होती है, ठीक। उसके अलावा आपने ये देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो तीन हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं। इरिवर्सिबल मतलब वही के उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अगर एक जो आपकी चीज़ है वो दूसरे में कन्वर्ट हो गई है तो हम उसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते। मतलब ए अगर है वो आपका बी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, तो आप बी को दोबारा ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज इरिवर्सिबल, ठीक। तो इसमें तीन स्टेप्स हमारे पास ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं इरिवर्सिबल स्टेप्स को हम रेगुलेटरी स्टेप्स भी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से, आप ग्लाइकोलिसिस के आप बता दोगे 1, 3 एंड 9, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई पूछे कि आपके पास रेगुलेटरी स्टेप्स कौन से हैं, तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि हाँ, इरिवर्सिबली जो स्टेप्स होते हैं, इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम रेगुलेटरी स्टेप्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओके।